हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गर्ल। तो आप भी देख सकते हो मैं कितनी बोल्ड, सेक्सी, हॉट लग रही हूँ। अगर ये लुक आपको भी क्रिएट करना है तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। ये लुक आप पार्टी वेयर, न्यू ईयर या कभी भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत बोल्ड और सेक्सी लगता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्राइमर। आपको स्क्रीन पे शो करता होगा ये सब्सक्राइब बटन, हाँ वैसे क्लिक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आपको सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी और आपको देखना पड़ेगा। और जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, सब्सक्राइबर है, मेरे चैनल पर बने हैं, मेरी फैमिली है, उनके लिए थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और आपकी तरफ से मुझे जो प्यार मिलता है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने एक ऑरेंज लिपस्टिक यूज़ किया है एज अ कलर करेक्टर अपने अंडर आई पर। उसके ऊपर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, उसे अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर के हेल्प से। इस तरीके से कलर करेक्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी डार्कन एरिया है, अनइवन है, सोने में प्रॉब्लम है, इसलिए हमें डार्क सर्कल होते हैं, तो उसे छुपाने के लिए हम ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो कितना इवन लग रहा है। इसके बाद मैं अपने आई लीड पर अप्लाई करूँगी कंसीलर और उसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। ये हमें हमेशा करना है क्योंकि आई शेडो अप्लाई करने से पहले यह आप करोगे तो आपके आई शेडो पिगमेंटेशन दिखेंगे, पॉपअप होके दिखेंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक जेल आईलाइनर। स्मोकी आईज़ क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जेल आईलाइनर। या तो आप यूज़ कर सकते हो ब्लैक पेंसिल काजल, या ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों आपके लिए बहुत ईजी है। चलिए मैं अच्छे से इसे ब्रश की हेल्प से इसे स्प्रेड करूँगी अपने आईलिड पर और इससे मैं ब्लेंड करूँगी ब्लैक आई शेडो से। ये कंपलसरी है, आपको करना है ये स्टेप। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है अपने दोनों आईलिड पे इस तरीके से। डोंट वरी, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी फैल रहा है फैलने दो, उसे हम बाद में क्लीन अप करेंगे और अच्छे से मैं बताऊँगी वो स्टेप आपको कैसे करना है। तो मैंने अपने दोनों आईलिड पे ब्लेंड कर लिया है ब्लैक आई शेडो और अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्राउन आई शेडो। अपने क्रीज एरिया पर ऐसे आपको ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा फैला है, मैं इसे बताऊँगी आपको कैसे करना है, बट इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है क्रीज पर। ब्लेंड होने के बाद आप ऐसे फ्लैट ब्रश लो, ऐसे कंसीलर लो और अब हम बनाएंगे क्रीज कट। जैसे मैंने अपनी आईज़ थोड़ी सी खुली रखी है तो आप भी ऐसे ही अप्लाई करना कि वो बराबर शेप में आएगा, नहीं तो थोड़ा ऊपर लग जाएगा तो हो गया फिर। इसलिए थोड़ा सा शेप के लिए आप अपनी आंखें खुली रखो और उसे अच्छे से स्प्रेड करते जाओ जहाँ तक आपको चाहिए। मैं यहाँ पर हाफ़ क्रीज कट अप्लाई कर रही हूँ, बना रही हूँ इस तरीके से। मैंने आपको कहा था ना, जहाँ फैल रहा है फैलने दो, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो यही सेम ब्रश की हेल्प से जो टिप है इसका, वहाँ पे हमें कंसीलर या तो फाउंडेशन अप्लाई करना है और इसे शेप करना है। आप देख सकते हो मैंने कैसे किया है। इस तरीके से अपने दोनों आईलिड पे या जहाँ पर भी फैला है उस जगह पर आप अप्लाई करो और ब्लेंडर की हेल्प से हल्के हाथों से आप ब्लेंड करना, वरना आप आई शेडो ही उड़ा दोगे। इस तरीके से हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है ब्लेंडर की हेल्प से, या तो ब्रश ले सकते हो जो एकदम सॉफ्ट हो और पतला हो। मैंने यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ किया है और मैं हल्के हाथों से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हो शेप आ चुका है, कोई फैला नहीं है। अब मैं ऐसा फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और उसमें अब मैं लीडर जो आई शेडो मैंने अभी शो किया था आपको, वो क्रीज कट के ऊपर जो हमने बनाया था उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। डरना नहीं, गिरा तो गिरा, हल्का फुल्का गिरेगा, मगर इसके पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, अच्छे से स्टिक हो जाता है, हमें ग्लू की भी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू डैप डैप एंड डैप, हल्के हाथों से डैप कर लीजिएगा और अच्छे से फैला लीजिएगा इस तरीके से। मैंने यहाँ पे डैप कर लिया है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं मुझे कैमरे में कैसा लग रहा है आप लोगों को, मगर मुझे जो सामने मेरा लुक है अमेजिंग। हमारा 50% आई मेकअप कम्प्लीट है। हाँ, सिर्फ 50% करना बाकी है, जैसे आई लाइशर्स, मस्करा एंड ऑल। तो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फाउंडेशन। मैंने यहाँ पे लिया है सुपर स्टे का मेबलिन फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, हाई कवरेज है। पार्टी में जा रहे हो तो प्लीज़ लाइट वाला मत लगाना, लाइट कवरेज वाला मत लगाना, हाई कवरेज वाला ही लगाना कि आपके फेस को ये बहुत एनहेंस करेगा। चलो इसे डैप करेंगे ब्लेंडर के हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर अपने
फेस पर, नेक पर, ईयर्स पर, सब जगह लगाया है क्योंकि ये इवन लगे, अनइवन ना लगे। क्योंकि आपको बोलेंगे यार ये मेकअप देखो मुंह पे रखा है, गले में नहीं लगाया है, या ब्लैक एंड वाइट, इसलिए प्लीज़ मेकअप कर रहे हो तो परफेक्ट करना। अगर ऐसे टिप्स चाहिए तो आपकी दीदी यहाँ पे है, उसे आप फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, मैं हर किसी को कमेंट में रिप्लाई दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे बढ़ रही हूँ, कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ब्रश के हेल्प से, मैं आज कॉन्टरिंग नहीं करूँगी। गाइस आपको कोई भी हेल्प चाहिए या मुझे गालियाँ देना है तो भी आप दे सकते हो, मैं कमेंट में हर किसी को रिप्लाई देती हूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। ठीक है, आप मेरी फैमिली हो, अच्छा भी बोलोगे बुरा भी बोलोगे, मैं उसे सीखूँगी और आपको ज़रूर मैं उसका रिज़ल्ट दूँगी। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए ब्लेंडर के हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं उसके ऊपर फट से पाउडर लगाऊंगी, लूज़ पाउडर आप लगा सकते हो, मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। आपको जल्दी से जल्दी लगाना है कंसीलर अप्लाई करते ही, क्योंकि वो पैच पैच हो जाएगा, केकी केकी हो जाएगा, फट जाएगा। मैंने पाउडरिंग कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं कॉन्टरिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र। आप देख सकते हो अपने चिक बोन के एग्जैक्ट नीचे, इस तरीके से आपको फेस बनाना है। थोड़ा अजीब लगता है बट फिर भी बनाइए, अच्छा दिखना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, फेक स्माइल कीजिए, ई हाँ ऐसे कहिए, कीजिए और ऐसे अप्लाई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, आईब्रोज। उसके बिना आई सी क्या मतलब, हाँ आईब्रोज और आई लैशेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज सेट कर लिया है ब्रश के हेल्प से, मैं डाउन डायरेक्शन में मैंने उसे कॉम्ब किया था आप देख सकते हो, और मैं अभी फिलअप कर रही हूँ। अभी मैंने आपको जो डिब्बी दिखाई थी ब्राउन इन कलर, वो आई लाइनर जेल है जो मैंने आपको प्रीवियसली स्टार्टिंग में दिखाया था ब्लैक कलर में, हाँ सेम है। ऐसे मेरे पास 3 है, तो आप देख सकते हो मैंने अप्लाई किया है, उसे फिलअप करना है, मिडल से आपको करना है फिलअप अपने आईब्रोज। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ स्टार्टिंग से करोगे तो आर्टिफिशियल लगेगा, आगे आपकी मर्जी। तो जैसे हमने कॉम्ब नीचे साइड किया था, हम फिलअप करने के बाद आईब्रोज को अपर साइड करेंगे, उसे सेट करेंगे। अब मैं अपने लोअर लैशेज पे भी ब्राउन कलर का आई शेडो थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वाइट काजल, उसे अपने आईलेट पे मैं अप्लाई करूँगी, मेरी आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगेगी। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, प्लीज़ जाके उसे देखिएगा और मुझे प्यार दीजिएगा। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ये मेबेलिन का है, मैं यहाँ पे हल्का सा ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने अब मैं अप्लाई करूँगी आईलाइशेस, फेक आईलाइशेस। आज जो मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, हर बार क्या न्यूड लगाऊँ, इसलिए मैं ओवरलाइन लिपस्टिक लगाऊँगी न्यूड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क लिप लाइनर और उसे ओवरलाइन करूँगी अपने लिप्स पर। ओवरलाइन मीन्स अपने लिप्स के बाहर से आप उसे लाइन बनाइए इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ न्यूड लिपस्टिक, आप देख सकते हो, और इसके ऊपर मैं लगाऊँगी क्या लगाऊँगी गेस करो, ऑब्वियसली लिप ग्लॉस लगाऊँगी कि थोड़ा शाइनी लगे, पार्टी के लिए है, पार्टी लुक के लिए है। इट्स हाइलाइटर टाइम, ये सबसे फेवरेट है मेरा, अपने चिक बोन पर, फोरहेड पर और अपने नेक एरिया पे भी आप लगा सकते हो, और मैं फिंगर के हेल्प से नोज़ पर लगाऊंगी इस तरीके से। चलो मेरा हाइलाइटिंग हो गया है, हाँ आईब्रोज पर भी आपको लगाना है इस तरीके से, आपकी आईज़ और इनहेंस होकर दिखेंगी। इसके बाद आप लास्ट स्टेप है स्प्रे कीजिए, सेटिंग स्प्रे। चलिए मेरा फाइनल लुक देखते हैं, ये रहा मेरा फाइनल लुक, हाउ आई एम लुकिंग सो गॉर्जियस, मेरी नज़र मुझे लग जाएगी। आप भी थोड़ा नज़र लगा लो और फॉलो कर लो, लाइक करना ना भूलिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दो। देखो आप कितनी अच्छी लग रही हो, मैं थोड़ा तो कमेंट में ज़रा बता दो। चलो ठीक है, आप प्यार दो या ना दो, मेरे तरफ से आपके लिए हमेशा मेरे तरफ से प्यार रहेगा और रहेगा। ऐसे ही वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और हाँ किसी से भी शेयर करो अपने फ्रेंड्स या किसी से भी, और कमेंट में मुझे बहुत सारा प्यार दो। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।